आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है द मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन विल बी, हमें बताना कि मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की क्या होगी। ठीक है, तो बात करूँ मॉलिकुलरिटी होती क्या, सिंपल डेफिनेशन में ये मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एटम्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है मॉलिकुलरिटी की वो होती है, ये हमारा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इसका क्या मतलब है, मतलब हम इसको देखते ही बता सकते हैं, हमें कोई एक्सपेरिमेंटली डाटा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हम जस्ट इक्वेशन देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी ये होगी। ठीक है, और सबसे स्पेशल बात क्या है, अगर हम इसको देख के बता सकते हैं तो हमारे जो रिएक्टेंट्स का क्या होगा, स्टोकियोमेट्री, तो वो हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है ना, तो पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा, तो अगर वो हमारा मॉलिकुलरिटी होगी, और मॉलिकुलरिटी से हम कंपेयर करते हैं हमारा एक होती है टर्म ऑर्डर, जो एक हमारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रिक्शन की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो सकती है, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो क्या होता है, ऑर्डर हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड डाटा से निकलता है, और ये हमारा क्या कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और ये होती है इसमें हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होती है रेट इक्वेशन में, वो उसका सम, उसके क्या कहलाता है हमारा ऑर्डर। और बात करूँ हमारी मॉलिकुलरिटी की, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है और ऑर्डर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं लिखूँ N2O5 का डिकम्पोजिशन किसमें होगा, N2O4 प्लस हाफ O2, एक और रिएक्शन निकल लेते हैं 2HI, किसमें फॉर्म होगा H2 प्लस I2। ठीक है, हमारा RCl प्लस वाटर क्या देगा, सॉरी ये है हमारा RCl प्लस वाटर, तो ये हमें मुझे क्या देगा, RCl प्लस वाटर एल्कोहल प्लस HCl। तो बात करूँ यहाँ पे मॉलिकुलरिटी की, तो यहाँ पे हमारी मॉलिकुलरिटी N2O5 के केस में क्या हो जाएगी, 1, यहाँ पे मेरी मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2, आप देख सकते हैं कि कितने कितने हमारे मोल्स इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 1+1 कितने हो गए, 2। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे सारे क्या हैं, पॉजिटिव होल नंबर, तो ऐसे हम इनकी मॉलिकुलरिटी निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन गिवन है फ्रैक्शन 0, पॉजिटिव होल नंबर नेगेटिव, तो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव होल नंबर, सो ऑप्शन इज पार्ट सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।